नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में, आपके साथ निशेर ठाकुर। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है और पंचायत चुनाव का उल्टा काउंटडाउन भी अब शुरू हो गया है। डीटीवी भारत लगातार आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर वो अपडेट पहुंचा रहा है जो आपके लिए उपयोगी हो। इस बीच हम एक और अपडेट लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हाल ही में एक लेटर काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। उस लेटर में पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई थी और वो लेटर बिहार चुनाव आयोग का था। लेकिन जब वो लेटर काफ़ी वायरल हुआ तो इस पे जो अधिकारी थे वो एक्शन में आए और इसकी तहकीकात उसी समय से शुरू हो गई कि आखिर पंचायत चुनाव की तिथियों की जो घोषणा की जो लेटर है वो सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हो गया, अंदर की चीज़ें थी वो बाहर कैसे आ गई। लेकिन जब हमने इस बात पे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, पहले आप वो सुनिए। सारी व्यवस्था दो, सारे चुनाव के व्यवस्था, ईवीएम पहुंचाना, कहीं बैलेट की व्यवस्था करना है तो बैलेट की व्यवस्था होगी, सुरक्षा देना, लेकिन सारा डिसीजन राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कहाँ पहले फेज में चुनाव होगा और कहाँ अंतिम फेज में चुनाव होगा, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कहाँ कहाँ किस फेज में चुनाव होगा। मेरे तक कोई सूचना नहीं है क्योंकि मेरे तक फाइल नहीं आई, हमको जानकारी नहीं है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आया। राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या भेजा नहीं भेजा, क्योंकि मेरे जानकारी में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था से नहीं आया। तो यदि मेरे यहाँ आकर कुछ हुआ होगा तो जरूर कार्रवाई होगी। सर, रद्द भी हो सकता है क्या जो लीक हुआ था डेट का? डेट हमको तो मैंने यही कहा, उस डेट को मैं ही नहीं जानता, इसलिए वो चुनाव के तारीख हो कैसे सकते ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊँ। मेरे तक मैंने कहा भाजपा कि मेरे तक नहीं आया, यदि मेरे संज्ञान में ये मामले आएंगे तो वैसे जो दोषी कर्मचारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आपने सुना पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का साफ कहना है कि उनके पास ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं है। यानी जो लेटर पंचायत चुनाव का वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी, कि जिसमें पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई थी, वो लेटर आधिकारिक तौर पे नहीं निकाला गया है या फिर आधिकारिक तौर पे सम्राट चौधरी के पास भी ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, उनको इस लेटर की कोई जानकारी नहीं है। यानी पंचायती राज मंत्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई लेटर विभाग की ओर से जारी हुआ है या फिर उनके पास ऐसा कोई लेटर पहुँचा है। तो अभी भी पंचायत चुनाव 2021 जो कि बिहार में होने वाला है उसको लेकर के कोई भी तारीखों को लेकर के अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अभी भी संशय बरकरार है तारीखों को लेकर के, पंचायत चुनाव कब होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। डीटीवी भारत आपको और भी अपडेट पहुंचाएगा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन अभी की जो ये अपडेट है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था लेटर जिसमें पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई थी और लोग भी काफ़ी संशय में पड़ गए थे। लोग भी सोच रहे थे कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस संशय पे अब हमने पुनः विराम लगा दिया है और आपको क्लियर कर दिया है कि पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। जब भी ऐलान होगा तो आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी जिन्होंने ऐसा काम किया है, सोशल मीडिया पे लेटर को वायरल किया है। बाकी भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।